आपका जो पेपर का पैटर्न है ध्यान से सुनिए कैसा आएगा आपका साइंस का पेपर का जो पैटर्न है, पैटर्न बता रहा हूँ, पेपर नहीं बता रहा हूँ, कहीं तुम सोचोगे बैठ के क्वेश्चन क्वेश्चन बता देंगे सर, ऐसा नहीं है। पैटर्न का मतलब होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा बेटा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, किसका होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का होगा। ध्यान से सुनना मेरी सारे बच्चे बच्चे, ठीक है, और उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, हर फिल इन द ब्लैंक के आपको एक नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो ऑन करो, जिन बच्चों की वीडियो बंद होगी मैं उन्हें क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। आर्यन सैनी वीडियो ऑन कर बेटा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटा आपका आएगा वो वन वर्ड आंसर होगा, वन वर्ड आंसर। आपको याद है कल मैंने जो वीडियो, कल जो आपकी मैंने लाइव क्लास ली थी, ठीक है, कल जो हमारी जूम पे क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक चैप्टर के सारे डिटेल बताए थे, फिर उस चैप्टर के नोट्स के बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे, उस तरीके से बीच में से क्वेश्चन निकाल के बने हुए। तो आपको सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम भी आपके आएंगे, डायग्राम की भी तैयारी करनी है। बीच में मैंने डायग्राम का भी असाइनमेंट आपको दिया था, उसको भी आप सब सारे के सारे बच्चे अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका वन 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 वर्ड आंसर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर या एक लाइन में आंसर लिखना है, ऑलराइट, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क्स के तो ये 2 क्वेश्चन होंगे आपके। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कितने पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट होंगे। वन वर्ड आंसर में भी कितने पार्ट होंगे, 5 पार्ट होंगे, ठीक है। हर पार्ट का एक नंबर रहेगा आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात ये। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका रहेगा बेटा, ठीक है, वो डेफिनेशन आएगी, वो क्या आएगी, डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी आएगी। क्वेश्चन 3 में आपकी डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजी होगी, आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएंगे, वेल लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएंगे। किसको नहीं सुन रही है मेरी आवाज, ये कौन, अब आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा, डायग्राम के लिए होगा। आपको मैं 3 डायग्राम दूंगा, उसमें से कोई एक डायग्राम आपको अपनी चॉइस का बनाना होगा, और सारे डायग्राम हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जितने भी डायग्राम थे उसकी मैंने फोटोज आपको दी थी, वो सारी की सारी री प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे बच्चे अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा बेटा आपका, वो होगा राइट द फंक्शन, यानी कि हर एक चीजों के फंक्शन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपसे हार्ट का फंक्शन पूछ लिया, आपसे लंग का फंक्शन पूछ लिया, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो भी हमने चैप्टर के अंदर जो चीजें पढ़ी है उसके अंदर जिस जिस चीज के हमने फंक्शन पढ़े हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए। तो आपको कम से कम एक एक फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको आएगा। समझ में आ गई बात मेरी, किसी बच्चे को कोई समस्या है? टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर से सुन लो बेटा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होगा 5 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन वन वर्ड आंसर होगा 5 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन आपको डेफिनेशन देने लिखने के लिए आएंगे, 2 डेफिनेशन देंगे, दोनों की आपको आंसर करने होंगे। चौथा क्वेश्चन जो आपका होगा, ठीक है, वो डायग्राम का होगा, जिसके आपको डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो सारे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करें। पांचवा क्वेश्चन आपको फंक्शन बताने होंगे, क्या बताने होंगे, फंक्शन बताने होंगे। व्हाट माय पॉइंट, ये सारी बातें आपको अच्छे से सीखनी है, समझनी है, ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो ये होगा आपका टोटल सेटअप क्राइटेरिया, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई डाउट आपको क्लियर करना है, तो मेरे से सारे बच्चे अपना एक एक करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, एक एक करके सब बच्चे अपने अपने डाउट क्लियर करें। नीरज की जो सिस्टर है, क्या नाम है, पूछ बेटा जो भी आपको डाउट है वो पूछो। फिल इन द ब्लैंक्स जो दोनों चैप्टर के अंदर आपके जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर के अंदर जो चैप्टर में जहां जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो अच्छे से कर ले, वन वर्ड आंसर अच्छे से कर ले। जो आपके MCQ है उनमें से भी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, तो उनको भी तैयारी कर ले अच्छे से। सारे बच्चों को ये चीज अच्छे से प्रॉपरली करनी है, सभी बच्चों को, ठीक है। और बहुत कम बच्चे, देखो आप लोग 60 या 70 बच्चे हो, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम बच्चे जो है क्लास में आते हैं। एक मिनट अपना होल्ड करके रखो, मैं एक सेकंड में वापस आता हूँ।
हाँ चलो बेटा सुनो, ध्यान से इधर तो ध्यान, मेरी तरफ तो ध्यान सारे बच्चे। अब एक एक करके अपने डाउट पूछो, जिसको जो जो डाउट पूछना है वो एक एक करके पूछे मेरे से। वीडियो ऑन करो, ये गैलेक्सी A10 कौन है? ये बच्चा बार बार ऑफ कर देता है ये वीडियो। मैं तुम्हारी अभी फोटो खींच के ग्रुप पे डालूंगा, जिसका नहीं आएगा नाम, ठीक है, जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा उसकी पिक्चर नहीं आएगी। फिर ये देखो, सर मेरे को कोई डाउट नहीं है। वैभव झा पूछो बेटा, तेरा डाउट क्या है? वैभव झा अपना सवाल। हाँ, एक डायग्राम कितने नंबर का है? डायग्राम बेटा 2 to 3 मार्क्स का होगा, 2 से 3 नंबर का डायग्राम होगा। और पूछो करना, और किसी को कुछ पूछना है तो एक एक करके सारे बच्चे अपने अपने सवाल पूछे, वो डाउट अपना क्लियर कर। सर हॉट क्वेश्चन भी आएंगे। मेरी बात सुन बच्चे, हर वो चीज जो आपके बुक के अंदर है, ठीक है, हर वो चीज जो आपके बुक के अंदर है वो आ सकती है। मैं किसी चीज की कोई अश्योरिटी नहीं देता, ठीक है, कि आएगा या नहीं आएगा। देखो मैंने जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई है, दो चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाई है, उसमें से मैं पूछूंगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार चीजों को दोहराया है, रिपीट करवाया है, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा बन सकती है सब में ट्राई करवाया। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो क्लास लेते थे, जिन्होंने मेरे साथ क्लास लिया, उनको सब क्लियर है। अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैंने उसकी वीडियोज भी बना के डाली हुई है आपको, आप उनको देख लें। नोट्स बना के डाले हुए प्रॉपरली, आप उनको पढ़ लें, उनसे आपको, क्योंकि आपकी चीजों को मैंने आसान किया है पढ़ने के लिए, इजी किया, ठीक है। अब इसके बाद भी किसी बच्चे की कोई समस्या है तो बताएं मुझे, और किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी भी चीज को लेके अभी पूछ रहा हूँ, फिर आप बोलोगे सर हमें ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। हाँ ऋषभ, तेरा कोई डाउट है बेटा? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो सर, चलो।